डियर स्टूडेंट्स, आप एक्सरसाइज जी 1.1 कंप्लीट कर ली सी। 1.1 दे विच आपां रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, मैट्रिकुलेशन, ट्रांसलेशन बारे सीखा सी। 1.2 उहदी आपां इंट्रो कीती सी, जिहदे विच 1-1 फंक्शन की हुंदा, ऑन टू फंक्शन की हुंदा, फंक्शन की हुंदा, उहदी डेफिनेशनस कीतियां सी। सो अज आपां एक्सरसाइज स्टार्ट करन जा रहे हैं 1.2, जिहदे विच फस्ट क्वेश्चन ही तुहाडे कोल अपने कोल फंक्शन गिवन होगा। इहदे विच आपां की है फंक्शन चैक करना, 1-1 है या ऑन टू है कि नहीं। कई बार आपको कहा जाता भी शो करो, भी शो दैट, फिर तो उन्होंने प्रूव करना ही पैना। कई बार कह देंगे चैक करो, फिर वो आप चैक करना होंगे भी वह 1-1 है कि नहीं है, जो ऑन टू है कि नहीं है। जिहड़ा फंक्शन 1-1 तो ऑन टू दोवें हो जाता, बाइजैक्टिव फंक्शन बन जाता। ठीक है, उनका फरदर आप इनवर्स पूछा जा सकता, इनका इनवर्स कैलकुलेट करो। सो सब तो पहला पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप फंक्शन गिवन एफ एक्स इक्वल टू 1/x, इनकी मैपिंग हैगी एफ आर स्टार टू आर स्टार, वेयर आर स्टार की है तुहाडे कोल रीयल नंबर, सैट ऑफ रीयल नंबर एक्सैप्ट जीरो। ठीक है, सारिया वास्तविक संख्यावां जीरो नूं छड्ड के। सो आपां सब तो पहले इनू इस फंक्शन नूं प्रूव करना है कि ये 1-1 है तो ऑन टू है। सो पहला 1-1 की डेफिनेशन चलते हैं। 1-1 की डेफिनेशन आपां की कीती सीगी, सेम इमेज लैके चल पीए तो एलीमेंट भी सेम आ जाता, फंक्शन 1-1 हुंदा। ठीक है, सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई इन सैट आर स्टार, आर स्टार ए एक्स वाई आप कहते हैं लैने हैं, ये लैने। ठीक है, ये जी डोमेन है। सो इनकी अपने को एफ एक्स कहते एफ एक्स कि डिफाइन किया है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x, इन 1/x लिख ला, इन 1/y लिख ला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, वाई इक्वल्स टू एक्स आ गया, एक्स इज इक्वल्स टू वाई आ गया, इमेज सेम लैके चले, एलीमेंट सेम आ गए। सो यही डेफिनेशन आप की 1-1 फंक्शन की। सो ए फंक्शन देयर फोर एफ इज 1-1, ये 1-1 हो गया। हम ऑन टू की गल करते हैं, ऑन टू की डेफिनेशन मैं तुम्हें थोड़ी दोबारा रिवाइज करना। फॉर ऑल वाई इन वाई देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1x इन एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। कहने का मतलब की है, इधर इस डोमेन के जिन्हें भी मैंबर पे है उन्होंने सारे की प्री इमेज है जी, इस सैट के आर स्टार के इस आर स्टार के एलीमेंट्स की प्री इमेज इस आर स्टार के एलीमेंट्स एग्जिस्ट करती होनी चाहिए है। सो चलो करते हैं, सब तो पहला इनू लैट वाई इक्वल टू एफ एक्स कर ली। आप सब तो पहला ऑन टू वाले जो एफ एक्स गिवन हो, जे वाई लिखा है फिर तो नहीं यह लैट करने की लड़, जे एफ एक्स होया लैट वाई इक्वल टू एफ एक्स कर लेना। वाई की वैल्यू 1/x है। ठीक है, तो वाई है जोड़ा आप कहते आऊगा फॉर ऑल वाई जोड़ा आप आर स्टार में लैके वाई की वैल्यू आ करनी, एक्स है जोड़ा वो 1/y आ गया। जोड़ा वाई है अपने को, वाई अपने को आंदा आंसर है, जो कह लो रेंज अपने को आती है, जो आंसर है ये आप वाई आप आर स्टार चो लिया। आर स्टार की सगा रीयल नंबर के जीरो को बाहर कर दी, कहने का मतलब है वाई है जी जीरो तो हो नहीं सकती, इन्हें मतलब 1/y है जोड़ा वो आर स्टार के एग्जिस्ट कर जूगा अपने को। वाई एक वास्तविक संख्या अपने को, मतलब कोई भी वास्तविक संख्या 1.256 लैगी मैं, ये रीयल नंबर बिलोंग करती है, ये आर स्टार बिलोंग करती है। तो इन्हें जो रेसिप्रोकल लवेंगे वो भी तो डेसिमल आंसर ही आऊगा, वो भी रीयल नंबर वास्तविक संख्या ही होगी। हुण 1/y की वैल्यू है एक्स की, इनका मतलब की होया तुहाडे कोल आप वाई लैके चले आर स्टार के कोरसपोंड एक्स आर स्टार के एग्जिस्ट करके, देयर फोर एफ इज ऑन टू, ये फंक्शन तुहाडे कोल की है ऑन टू बन गया। कई बुक्स वाले ऑन टू में इस तरह भी प्रूव कर देंगे, इतों आप एक्स की वैल्यू 1/y जी कही है वो फंक्शन के एफ 1/y भर देंगे, जी आप इतने वाई की वैल्यू कभी सी एक्स की वैल्यू 1/y क्ढ़ी है इतने फिल कर देंगे 1/y कोरसपोंडिंग अपने को है वाई एग्जिस्ट कर दी, कहने का मतलब एक अपने को प्री इमेज एग्जिस्ट कर गई इधर कोरसपोंड एलीमेंट के, कहने का मतलब की है इन आलीमेंट जुड़िया है अपने को। सो ए मैथड अपने को अगे जो क्वेश्चन इनवर्स वाला आता तो आप ईजीली इनवर्स फंक्शन इतों कैलकुलेट कर सकते होंगे, इस करके मैथड को प्रैफर करियो। सो ए है जो फंक्शन आपन टू प्रूव कर लिया। नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं, इन अगे ही उन्हें क्या इस क्वेश्चन के अगे उन्होंने की क्या, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेसड बाय एन विद कोड मेन बीइंग सेम एज आर स्टार। हूँ अगे उन्होंने की किया इतने थोड़ी जी चेंज करती, इतने अपने को आ गया जी डोमेन है
ਉਹ ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਐਨ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਡ ਮੇਨ ਆਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਰ ਸਟਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਡ ਮੇਨ ਆਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਵਨ ਅਤੇ ਓਨ ਟੂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਏ। ਐਕਸ ਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਮੇਨ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਐਫ ਐਕਸ ਇਕਸ ਟੂ ਵਨ ਓਵਰ ਐਕਸ, ਵਨ ਓਵਰ ਵਾਈ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ। ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਉਹੀ ਐਕਸ ਇਜ ਇਕਲਸ ਟੂ ਵਾਈ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਇਮੇਜ ਸੇਮ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਮੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਐਫ ਇਜ਼ ਵਨ ਵਨ। ਇਹ ਵਨ ਵਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਓਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਾਈ ਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੈੱਟ 'ਚੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਇੰਜਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਵਨ ਓਵਰ ਵਾਈ ਆਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਐਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਐਫ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਓਨ ਟੂ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਈ ਕੋਈ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਸੈੱਟ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਰ ਸਟਾਰ। ਆਰ ਸਟਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਅਦਰ ਦੈਨ ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਈ ਵਾਈ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਟੂ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਈ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਟੂ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੂ ਵੇਖੂੰਗਾ ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਟੈਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟੂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਰ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਨ ਓਵਰ ਟੂ ਲਿਆ ਇਹ ਇੱਧਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਧਰ ਟੂ ਵਨ ਬਾਏ ਟੂ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰ ਵਾਈ ਈਕਲਸ ਟੂ ਟੂ ਦੇਅਰ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਨੀ ਐਕਸ ਇਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਸੱਚ ਦੈਟ ਉਸ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਮੇਜ ਟੂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਸ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਦੋ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਜੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂ, ਵਨ ਵਨ ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਵਨ ਭਰਾਂਗੇ ਵਨ ਓਵਰ ਵਨ ਵਨ ਆ ਜੂਗਾ, ਵਨ ਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਵਨ ਓਵਰ ਟੂ ਨਾਲ, ਥ੍ਰੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਵਨ ਓਵਰ ਥ੍ਰੀ ਨਾਲ। ਇਹਦੀ ਐਂਜ ਇਮੇਜਿਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਟੂ ਇਮੇਜ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਟੂ ਇੱਧਰ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਟੂ ਕਦੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਵਨ ਬਾਏ ਟੂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਵਨ ਬਾਏ ਟੂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਵਨ ਬਾਏ ਟੂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀਗਾ, ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਚੈੱਕ ਦੀ ਇੰਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਸਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ। ਇੰਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਵਨ ਵਨ, ਚੈੱਕ ਇੰਜੈਕਟਿਵਿਟੀ। ਐਂਡ ਸਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਐਫ ਫਰੋਮ ਨੈਚੁਰਲ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵਨ ਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਝੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ
नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इधर भी नेचुरल नंबर पे है। सो ऑन जो आप एक्स वन लगाएंगे उधर वन का स्केयर की आजूगा वन कहना मतलब वन वन ना जुड़ा है। एफ जो टू लाऊंगे टू का स्केयर की आजूगा फोर टू फोर ना जुड़ा है। थ्री नाइन ना जुड़ा है फोर है जोड़ा वो सिक्सटीन ना जुड़ा होगा। समय लगी गल कहने का मतलब की है इतने जोड़े डिफरेंट एलीमेंट्स है जोड़े वो डिफरेंट इमेजेस का दे रहे हैं पर इधर जी कोड मेन है नैचुरल नंबर उन्हें सारे एलीमेंट की प्री इमेज इधर एग्जिस्ट नहीं कर रही। इस डायग्राम को वेख के क्लीयर हो गया फंक्शन वन वन तो है बट ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है क्योंकि जे मैं इस सैट के कोड मेन के जे टू लव टू की प्री इमेज नहीं इधर कोई एग्जिस्ट करती भी टू इधर किसी के नाल भी जुड़िया नहीं हो क्लीयर है। सो यह फंक्शन वन वन है वन वन क्यों है क्योंकि अपने को जे आप गल करिए दो डिफरेंट नैचुरल नंबर लेना इतने मैं दूजी डेफिनेशन ला के समझा एक डेफिनेशन आप आगे की डिफरेंट इमेजेस गिव सॉरी डिफरेंट एलीमेंट गिव्स डिफरेंट इमेजेस ठीक है। सो आप दो डिफरेंट एलीमेंट ले लीए नैचुरल नंबर के कोई वक्रे वक्रे दो आप संख्यावान ले लिया नैचुरल नंबर के मान लो टू ले लिया एक थ्री ले लिया ये नाल नाल एग्जाम्पल देकर समझा रहा इन्हों के स्केयर भी है वह भी की हो गए डिफरेंट हो गए मतलब टू का स्केयर है जोड़ा ये वक्रे वक्रे हो गए ये किंती वैल्यू बन गई एफ एक्स की ये किंती वैल्यू बन गई एफ वाई की डिफरेंट इमेजेस गिव सॉरी डिफरेंट एलीमेंट गिव डिफरेंट इमेजेस देयर फोर एफ इज वन वन ये वन वन हो गया। सो यह तो वन वन की गल हो गई ये इन्ना की सी अपना ठीक है ये एक्सप्लेन किया तू कि मतलब की सी वन वन तो ऑन टू का हम नैक्सट गल करते हैं ऑन टू की ऑन टू तो मैं डायग्राम तो समझाता ठीक है ज एक गल आप वेखिए इनकी रेंज की बनती भी है आप एक दो तरीकों के ऑन टू करते हैं ठीक है जोड़ा तरीका तुम सौखा लगे वो तुम जो कर लेना रेंज की बनती भी है इनकी फंक्शन की सी एक्स स्केयर आप लैने नैचुरल नंबर है एक का स्केयर दो का स्केयर तीन का स्केयर चार का स्केयर पाँच का स्केयर ये की बनती भी है रेंज इनकी दैट इज रेंज ऑफ एफ एक चार नौ सोलह पच्ची ये रेंज बनती पी है। कोड मेन की है इनकी कोड मेन आप पूरे का पूरा सैट है नैचुरल नंबर का नैचुरल नंबर हूँ रेंज जी वो सबसैट बनती पी है ठीक है नैचुरल नंबर का। सो ऑन टू वास्ते की होना चाहिए सीगा रेंज तो जी कोड मेन है ठीक है वो दोवें की होनी चाहिए सी बराबर होनी चाहिए ता ही फंक्शन ऑन टू होंगे पर इतने सबसैट बनती पी है देयर फोर एफ इज नॉट ऑन एक तरीका तो यह हो गया। दूसरे तरीके करते हैं जिम्मे आप डेफिनेशन की फॉर ऑल वाई इन वाई देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट एक्स इन एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई मतलब की है जेडे इधर जेडे एलीमेंट पे उन्होंने प्री इमेज कोड मेन जिन्ने एलीमेंट पे है वो सारे की जो प्री इमेज एग्जिस्ट करूगी तो वह फंक्शन ऑन टू होगा अदरवाइज नहीं होगा। सो नैक्सट क्वेश्चन इसे भी कर लगा मैं दूसरे तरीके पता लग गया ऑन टू नहीं है जदों कोई फंक्शन आपां प्रूव करना होगा यह वन वन नहीं है अपन पता लग गया यह ऑन टू नहीं है अपना कोई काउंटर वन एग्जाम्पल दे देनी है भी जो ऑन टू नहीं प्रूव करना भी आ कोड मेन का एलीमेंट पिया है ठीक है इनकी प्री इमेज है जी एग्जिस्ट नहीं करती पी हूँ मैं की कर लगा हूँ एक एलीमेंट लै लिया सिंस टू बिलोंगस टू नैचुरल नंबर ए नैचुरल नंबर कहड़ा कोड मेन वा ये जो कोड मेन का सैटअप उनके मैं टू लिया देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन नैचुरल नंबर सच दैट एफ एक्स जोड़ा वह दो अपना इमेज दे ठीक है। सो मतलब दो दे, इस दो के कोरसपोंड कोई भी प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट करती भी ये दो किसी नाल नहीं जुड़ा है देयर फोर एफ इज नॉट ऑन ठीक है। जब वैसे भी गल करिए दूजे तरीके भी समझावा तुम एफ एक्स एक्स स्केयर है लैट वाई इक्वल टू मैं एफ एक्स कर ला वाई की वैल्यू एक्स स्केयर हम वाई टू आ वाई आप टू ले ठीक है ना इतने वाई आप कि ली है टू ले ली आप इतने वैल्यू वाई की टू भर
विच डज नॉट बिलोंग टू नैचुरल नंबर, इंज कर लो करना तो जिम्मे तुम्हें सौखा लगता है, टू उधर जाके रूट टू बन गया, रूट टू नैचुरल एग्जिस्ट नहीं की है वैल्यू एक्स, रूट टू तो नैचुरल होंगे ही नहीं, इरेशनल होंगे। सो इस तरीके भी कर सकते हैं, सो देयर फॉर एफ इज नोट ऑन टू। तुम मैं दो तीन तरीके दसते ऑन टू प्रूव कर, ठीक है, तो वन वन प्रूव करते दो मैथड से, सेम इमेजिस लैके एलीमेंट सेम आ जाए, डिफरेंट इमेजिस गिवस सॉरी डिफरेंट एलीमेंट्स गिवस डिफरेंट इमेजिस, ठीक है। सो यह तीन तो दो पांच तरीके हो गए, दो वन वन के हो गए तो तीन ऑन टू के हो गए। सो जो तुम सौखा लगता वो तुम कर लेना। अगे नैक्सट क्वेश्चन में चलते हैं, हाँ जी भी ये सैकेंड आपे करना, सैकेंड थर्ड होमवर्क है बच्चे, ये ट्राई करने हैं सैकेंड का, सैकेंड का सैकेंड का थर्ड, अगे सैकेंड के फोर्थ में चलते हैं। जेड टू जेड है, सॉरी नैचुरल टू नैचुरल है, नैचुरल टू नैचुरल है, ठीक है। एफ एक्स कहते इक्वल अपने को एक्स क्यूब दे। हूँ चलो क्वेश्चन नैचुरल नंबर टू नैचुरल है, हूँ आप फिर डिस्कस करते हैं, डायग्राम बना ली इनकी बच्चे, ठीक है। डायग्राम ना थोड़ा जहा समझना सौखा हो जाता है, डायग्राम देखो पहले, डायग्राम तो बिना तो आइडिया मिल जाता अपन फंक्शन वन वन है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है, ठीक है। सो वो देखते हैं, सब तो पहला नैचुरल नंबर टू नैचुरल नंबर है, ये तेरे को डोमेन है, ये तेरे को कोडमेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन। सो सब तो पहला जो एक्स वन भरा होने जो आंसर आऊगा उनके वन की क्यूब वन आ गया, टू भरोंगे टू की क्यूब की आजगा एट, वन कहते जुड़िया हुआ वन टू कहते एट ना थ्री तीन तीन आती है सताई, सताई तो है नहीं, ठीक है। सो इतों फिर तुम क्लीयरली पता लग गया, ठीक है। नैचुरल नंबर वाला बच्चे आप कर लिया है, सो यह हिंट मिल गया किमें करना, ये कर लेना। मैं एक जैड वाला करा दा जिद जो फंक्शन है जैड टू जैड है, जिंदे डोमेन सैट ऑफ इंटीजर है तो कोड मेन भी सैट ऑफ इंटीजर है, वो क्वेश्चन कर लिए, ये कर लेना, तुम आइडिया जो हो गया होगा सेम उनके नाल ही सीगा, ठीक है। बाकी तुम कंप्लीट कर लियो, मैं करवा लगा जो क्वेश्चन जैड टू जैड जो डिफरेंट है थोड़ा जहाँ नाल कर चुके हैं, मैं ता करके ये छड़न लगा। क्वेश्चन देखो मैपिंग हैगी है एफ फ्रॉम जैड टू जैड, एफ एक्स कहते इक्वल है एक्स क्यूब, हम यह सैट ऑफ इंटीजर आ गया बच्चे, पूर्ण संख्यावान दसूंगे पूर्ण जैड की हों, जैड कहते इक्वल हों जिंदे पॉजिटिव इंटीजर भी आ जाते हैं, नैगेटिव भी आ जाते हैं, तो जीरो भी इनकलूड होंगी है, ठीक है। सो जीरो भी इनकलूड होंगी है, एक मिनट में मार्कर इनकी खत्म हो गई है, मार्कर लेना। यह जैड टू जैड, जैड के अपने को 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन, ठीक है। एवं इधर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 सो ऑन, ठीक है। हम जो एफ जीरो पर आते बच्चे उदो जीरो की क्यूब जीरो ही आजगी, एफ वन पर आओगे वन की क्यूब वन आजगी, एफ टू पर आओगे टू की क्यूब एट आजगी, एफ माइनस वन पर आओगे ये माइनस वन ना जुड़ जूगा, एफ माइनस टू पर आओगे टू टू का फोर टू का एट ये माइनस एट ना जुड़ जूगा, थ्री पर आओगे 27 ना, ठीक है क्लीयर है। हम तुम आइडिया हो गया होगा ये फंक्शन है जिहड़ा ये वन वन बन रहा, ठीक है, बट ऑन टू नहीं बन रहा क्योंकि अपने को बड़े एलीमेंट है जो कोड मेन के वेले रह गए फ्री रह गए जिन्हें प्री इमेज जी एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। सो इन हूँ मैं
थोड़ा जिहा हुण सॉल्व करन लगा। सो डायग्रामेटिकली हो गया अपने को पता लग गया आपां नूं वन वन ते ऑन टू है कि नहीं है। हुण आपां प्रूव करन लगे हैं जिहड़ी चीज़ दा वन वन है बच्चे उहनूं जनरली प्रूव करना, जिहड़ी ऑन टू नहीं गई उहदी कोई एक एग्जाम्पल दे देनी है, ठीक है, जिंदे तो आपां नूं पता लग जाए। उधर प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट की, जिहड़ा मर्जी इधरों तुसीं टीजर एक चूज़ कर लेना उहदे कोरस्पोंड दस देना वी इहदी प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट करदी वी इह किसे नाल नहीं जुड़िया होया। उह किवें करना मैं तुहानूं तीन तरीके दस चुका, हुण फिर करांगे, हुण फिर दुबारा ध्यान नाल देंगे। पहलां वन वन की गल करिए, फिर वही गल आप लै लें कोई दो वन वन डिफरेंट एलीमेंट लै लीए जैड के विचों, जो आप क्यूब करांगे वह भी डिफरेंट आऊगा, ठीक है, ओबियस है, कोई मर्जी दो वक्रे नंबर लै लिए उन्होंने घाट कर दिए तो वह डिफरेंट ही आऊगा। सो एक उनकी वैल्यू बन गई एफ एक्स की, एक इनकी वैल्यू बन गई एफ वाई की, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ वाई आ गया। हुण गल करते हैं आप ऑन टू की, हुण आपां नूं इत्थे क्लीयर हो गया सी फंक्शन है जिहड़ा ऑन टू नहीं है। सो मैं की करन लगा हुण लैट वाई इक्वल टू एफ एक्स कर दी, आपां ए एक्स क्यूब दे बराबर आ गया। हुण मैं लैट वाई चूज कर ली, इधरों जिहड़ी मर्जी वैल्यू लै लो जिहदी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करदी पई सी, दो लै लो, तीन लै लो, तीन लै लो, ठीक है, वाई थ्री लै लिया, वाई की वैल्यू इत्थे तीन भर दी, एक्स क्यूब थ्री आ गया, क्यूब उधर जा गए क्यूब रूट बन गया विच डज नॉट बिलोंग्स टू जैड। सो आप वाई एक तीन डीजर लैके चले इन कोड मेन के, ठीक है, जिंदी इधर प्री इमेज एक्स की वैल्यू तीन की एक बड़ा तीन वो आई आह इन वैल्यू आ होनी जी कि हैगी नहीं, देयर फोर एफ इज नोट ऑन टू। जहाँ दूजी गल आप गल करिए रेंज की बननी सी जीरो वन एट ट्वेंटी सैवन या माइनस वन माइनस एट माइनस ट्वेंटी सैवन जिहड़ी की है इस जैड सैट का सबसैट बनती पी है। जो जी रेंज है वह कोड मेन का सबसैट बन जाए तो भी फंक्शन ऑन टू नहीं होता। सो जिवें तुहानूं सौखा लगता तुसीं उवें ही क्वेश्चन कर लेना। सो यह अपना सैकंड क्वेश्चन हो गया। सो ये एक जो फोर्थ आता मैं तुहानूं हिंट देता सी वो तुसीं कर लेना वै, बाकी नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन अपने को प्रूव दैट अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिता बच्चे एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यह फंक्शन बारे थोड़ा जहां तुम दस दा एक तो इन जो क्वेश्चन के प्रूव करना ना ही वन वन है तो ना ही ऑन टू है, कहने का मतलब आप एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है, एक एग्जाम्पल वन वन के केस लभ लेंगे आप डिफरेंट एलीमेंट्स ले लेंगे उन्होंने इमेज सेम आ जाएगी, ठीक है। सो उतों आप प्रूफ पता लग जूगा ये जो फंक्शन है वन वन नहीं है, एवं ऑन टू का जिम्मे आप पिछले दो सवालों किया, ठीक है, एक आप उधरों कोड मेन मैंबर चक लेंगे दस देंगे कि प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती पी। सब तो पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, जेडे बच्चों ने तो प्लस वन के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बारे पढ़िया उन्होंने तो पता होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की है। जिन्होंने नहीं पढ़िया ध्यान नाल देख लियो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की है। जिवें मॉडुलस फंक्शन की होंगे नैगेटिव वैल्यू पॉजिटिव कर देता, यह की करता है इनका काम की है अपने को फॉर एग्जाम्पल 1.5 है इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाऊगा, ठीक है, इन्हें आपकी नेड़े की लैफ्ट साइड वाली वैल्यू है जो नेड़े का इंटीजर लैफ्ट साइड तो वह दे देना एफ 1.9 है। सो इनका आंसर तो भी की आजगा 1, एफ 5.1 है 5.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की आ जाना 5 आ जाना, ठीक है। हुण नैगेटिव वाले केस से ध्यान रखना एफ माइनस 1.2 है इनका 1 माइनस 1 ही लिख देना इनका माइनस 2 होना यह ध्यान रखना थोड़ा जि जिमें एफ 0.5 है इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.5 का यह 0 आ जाना, ठीक है। जे एफ माइनस 0.5 होगी माइनस 0.5 का की आ जाना माइनस 1 होना कि यह किमें वर्क किमें कर रहा आ नंबर लाइन अपने संख्या रेखा 0, 1, 2, 3, 4 माइनस 1 माइनस 2 यह की करता पाया फंक्शन जो 1.5 आया सी तने की आंसर देता 1 खप्पे पासे में जाना यह अपदियां यह फंक्शन की करता पाया आपके खप्पे हाथ जिहड़ियां संख्यावां पईआं इंटीजर पए आ पूर्ण संख्यावां पईआं वह आंसर दे दिंदा। जे आपां 0.5 लाया सी 0.5 इत्थे सी खब्बे पासे कि पई है
इंटीजर केड़ा पे जीरो पे जे आप माइनस 0.5 लाया सी माइनस 0.5 जिथे होगा इन खब्बे पास रखो कौन पे माइनस वन पे इन्हें आंसर की देता फिर माइनस वन जे अपने को एफ माइनस 3.2 आऊगा इनका आंसर की आ जाना माइनस 4 क्यों माइनस 3.2 इतने पे इन खब्बे पास कौन पे वा माइनस 4 पे सो ये आप इंटीजर इस तरह डिफाइन करना ठीक है याद रखना यह थानू अगे भी काम होना कंटिन्यूटी चैप्टर भी यह काम आऊगा सो यह भुलना नहीं गा सो इस तरह वर्क करता है ये आप दिया जिन्हें डेसिमल वाली कोई वैल्यू आ गई जे इंटीजर आ गया पूरा बचे होता उन्हें आंसर वही दे देना जे वन है तो उनका आंसर वन ही आ जाना टू है तो टू ही आ जाना जी डेसिमल्स वाली वैल्यू है ठीक है उन्होंने उन्हें लैफ्ट साइड से जो इंटीजर पाया है नंबर लाइन तो उन्हें वो आंसर दे देना सो हम ये क्वेश्चन भी आप करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट ये अपने को यू आप सब तो पहला वन वन की गल करते हैं ये क्वेश्चन उन्होंने क्या ही है प्रूव एक प्रूव करो ये ना इधर वन वन नोर ऑन टू ना ही वन वन है तो ना ही ऑन टू है सो करते हैं प्रूव इन सो आप करते हैं इनकी पहला तो फिर वही गल मैं डायग्राम बना के थोड़ा जहा समझा था पहला ये रीयल नंबर टू रीयल नंबर बच्चे वास्तविक संख्या रीयल नंबर की होंगे ये रैशनल इरैशनल की यूनियन होंगे सो इन जीरो आ गया वन 0.6 आ गया 0.7 आ गया 1 आ गया 1.2 आ गया 1.3 आ गया जे आप इधर जीरो की गल करिए रीयल नंबर च बहुत सारिया संख्यावान पी पर इनकी जी रेंज है वह सैट ऑफ इंटीजर ही रहनी है ठीक है जी रेंज है जी सैट ऑफ इंटीजर रहनी है विच इज सबसैट ऑफ रीयल नंबर जी कि सबसैट है इतों क्लीयर हो गया एक तो ऑन टू नहीं है जोड़ा इनका आंसर होना इंटीजर ही होना पर यह सैट रीयल नंबर है जिंद बहुत सारिया वैल्यूज पे इन 1.5 भी पाया ठीक है 1.2 भी पाया जो जीरो का जीरो आए ना 0.6 का भी जीरो आए ना 0.7 भी जीरो जुड़िया होना वन है जो वन भी जुड़िया होना 1.2 भी वन जुड़िया होना 1.3 है जोड़ा वो भी वन ही जुड़िया होना ठीक है सो 1.2 है ये किसी ना भी जुड़े होने इधर 1.2 से 1.5 है जो कोड वे पे है कहने का मतलब की हो जे आप दो डिफरेंट एलीमेंट लै लिया मैं ठीक है मैं 0.6 तो 0.7 दो वक्रे वक्रे एलीमेंट लै लिया इन रीयल नंबर इन जो मैं इमेजिज लिया एफ पॉइंट 0.6 ए की आ जाए 0.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 एफ 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ये दोवें हैं जोड़े बराबर आ गए ये दोवें की आ गई हैं अपने को वैल्यू 0 इक्वल टू 0 एफ 0.6 की वैल्यू भी 0 एफ 0.7 की वैल्यू भी 0 है दोवें बराबर आ गए आप डिफरेंट एलीमेंट्स लैके चले इमेजेस की आ गई सेम जिड़ी की कंट्राडक्शन आ गई डेफिनेशन की कहती है जे एलीमेंट डिफरेंट लीए इमेजेस भी डिफरेंट होनी चाहिए इतने सेम आ गई देयरफोर एफ इज नॉट वन वन ठीक है सो ये क्वेश्चन आप इस तरह सोल्व करना सी नैक्सट ऑन टू के चलते हैं आप हम ऑन टू की गल करते हैं ऑन टू फंक्शन तो बच्चे आ जाओ ऑन टू की फिर वही गल लेट वाई इक्वल्स टू एफ एक्स वाई की वैल्यू अपने को आ गई हूँ आपको पता है वाई आप 1.2 लेंगे रीयल नंबर के ठीक है इन रही है बोर्ड मेन चो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन रीयल नंबर सच दैट एफ एक्स के बराबर आ जाए 1.2 के बराबर आ जाए दूजी भाषा के हूँ वाई की लै ली आप 1.2 1.2 लै ली ठीक है वाई कितने बराबर सीधे बराबर विच इज नॉट पॉसीबल एज रेंज ऑफ एफ की है जैड इनका आंसर तुम हमें समझा है इन्हें आंसर हमेशा इंटीजर देना डेसिमल वाला देना ही नहीं आंसर इन्हें कभी तो फिर वैल्यू पॉसिबल ही नहीं हो वो जुड़ी नहीं होनी किसी सीधी तरह समझ लो रेंज ऑफ एफ आई जैड है कोड मेन कि रीयल नंबर ये सबसेट बन गई कोड मेन का सबसेट बन गई ये ऑन टू होना ही नहीं
एफ इज नॉट ऑन टू। सो बच्चे अज लई इन्ना ही। सो तुसी ये जेड़े क्वेश्चन है थर्ड मैं करवाता, ठीक है। फोर्थ है जिहड़ा वह भी ट्राई करना है, अगे क्वेश्चन है वो ईजी है थोड़े जे, ठीक है। ये ट्राई कर लेने, एग्जाम्पल्स भी आपां एक दो कीतियां सी, ठीक है। फिर बाकी ये क्वेश्चन है फोर्थ तो ऑनवर्ड आपां लैके फिर अगे सोल्व करांगे। सो अज लई इन्ना ही तुहाडे लई, थैंक यू।